हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए हमारा करते हैं स्किन केयर रूटीन स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने अपने हैंड्स के लिए ब्राउन शुगर और इसमें मैंने डाला है कोकोनट ऑयल। तो इससे हम अपने फेस को अच्छे से एक्सफोलिएट करेंगे। इस स्क्रब से आप अपने फेस और लिप्स को अच्छे से एक्सफोलिएट कर सकते हैं। ये होममेड स्क्रब है तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे जो आपकी स्किन है बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहती है और आपके फेस पे अच्छा सा ग्लो आ जाता है। तो अपने फेस को अच्छे से स्क्रब करने के बाद मैं अगर आप लोगों को हैंड से स्क्रब करना नहीं पसंद तो आप सिलिकॉन ब्रश वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अच्छे से स्क्रब करने के बाद मैं एक स्पंज की हेल्प से अपने फेस से सारा स्क्रब रिमूव कर दूँगी। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा अप्लाइंग अ राइस फेस पैक। तो मैंने इसको बनाया घर पर, कुकड राइस को लेंगे आप, उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा मिल्क और हनी। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं इसको अपने फेस पे लगा रही हूँ। आफ्टर अप्लाइंग दिस फेस पैक तो आपको 10 मिनट के लिए वेट करना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो आप इसको एक स्पैचुला या स्पून की हेल्प से अच्छे से रिमूव कर देना। तो अपने फेस पैक लगाने के बाद मैंने अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए वैसलीन लगाया, जिसके आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने फेस से मास्क रिमूव कर दिया। तो वेट हैंड से मैंने उसको अच्छे से क्लीन करके फेस वॉश कर लिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।